कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। इसका क्वेश्चन नंबर, इसके टोटल पार्ट्स हैं, सिक्स पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सिक्स पार्ट्स में 17/25, कोई सा भी एक क्वेश्चन देखो, 17/25 आपने कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करना है। कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखो जरा, 17/25 कितना आ रहा है, 17 को 25 पे इन इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, 0.68। सो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, डेसिमल पार्ट। इस तरह ये आसान से क्वेश्चन है, शॉर्ट में क्वेश्चंस आते हैं कि इसको आपने कन्वर्ट करना है फॉलोइंग इन डेसिमल फ्रैक्शंस। कैलकुलेटर पे डिवाइड करें 17 को 25 पे और इस तरह से कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन देखो, इसका एक क्वेश्चन है 205, इसका फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट, 205/18। ओके नाउ बेटा, ये कौन सी पार्ट है इसका, ये जो लिखा हुआ है ना, ये डेसिमल नहीं है बल्कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको 205 को 18 पे डिवाइड करके देखो, 11.388 और 8, ठीक है। सो ये इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट हो गया। सो ये आसान से क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट में ये आ सकते हैं पेपर में, ये वाले क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, इसके बाकी पार्ट्स जो नहीं हम करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम करते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए 3/4 + 5/9 इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, हाफ यानी 1/2 से, ये इसका मेथड है। तो 3/4 + 5/9 × 1/2, 1/2 क्या है उसका, हाफ, मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। लिखा हुआ ना रेस्ट नंबर बिटवीन, बिटवीन का मतलब मिडल में, फाइंड आउट करो। अब करना कैसे है, आसान तरीका बताने लगा हूँ इसका। पहले आपने इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम के तरीके से सॉल्व करना है, एलसीएम नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, 4/9 सर कितना होता है, 36। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करो, इस तरह से 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 27 प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 20। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/2। अब करो सॉल्व इसको, कितना आता है, 27 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 47, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 × 2, तो आंसर आ जाएगा इसका 47/ कितना हो जाएगा, 72। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब पता है क्या, कि ये जो नंबर है ना 0.67, 67, 67, यानी ये नंबर 6 और 7 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है कि ये 67 बार बार रिपीट होगा। इसके आगे आप इस तरह से डॉट डॉट लगाओगे, 67 को बार बार रिपीट करना है, यानी 67, 67, ये रिकरिंग हो गया। इसको हम लेट कर लेते हैं, ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसको, लेट एक्स इज इक्वल 0.67, 67, 67 डॉट 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 आगे। लेट किसके इज इक्वल किया हमने, एक्स के इज इक्वल, ठीक है, इसका नाम हमने एक्स रख लिया। नाउ मल्टीप्लाई बाय, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से ही क्यों करेंगे, बिकॉज पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिकरिंग है, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2, तो इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा, 1 डिजिट हो, तो फिर इसका मतलब सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, ये बन जाएगा 100x, ये देखो ना, 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 100x इज इक्वल, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई 0.67, 67, 67 डॉट डॉट, कंटिन्यू नंबर्स हैं, ठीक है, इनफिनाइट नंबर्स हैं। सो 100x इज इक्वल, ये बेटा मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, 100 मल्टीप्लाई 67, 0.67, तो ये बन जाएगा 67.6767, और आगे कंटिन्यू नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये 100x इज इक्वल, ये जो 67 पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है ना, पॉइंट से पहले, इसको आपने सेपरेट कर देना है, यानी इसको हम हटा रहे हैं इसकी जगह से, प्लस 0.67, 67, 67, सो ऑन चलता रहेगा। ये मैंने जो 67 है इसकी वैल्यू को हटा के इसकी जगह क्या पुट कर दिया, 0।
अब 100x इज इक्वल 67 प्लस ये जो वैल्यू है, ये देख रहे हो आप, ये इज इक्वल किसके हमने लेट की थी शुरू में, हमने इज इक्वल लेट किया था, ये किसके इज इक्वल है, x के इज इक्वल है, ये वाली वैल्यू किसके इज इक्वल है, x के। सो इसकी जगह हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ x को दूसरी तरफ ले जाएं, दूसरी तरफ जाके किस में चेंज हो जाएगा, माइनस x में और 67 में। अब 100x में से x निकाल दें, बाकी कितना बचेगा, 99x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 67। x की वैल्यू निकालने के लिए 67 को डिवाइड कर देंगे 99 पे, तो यही हमारा जो नंबर है फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। हमने डेसिमल फ्रैक्शन को रिकरिंग डेसिमल्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो 67 ओवर 99 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। -125 या क्यूब रूट की वैल्यू 3 है, क्यूब रूट की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसको आपने क्यूब रूट को हटा के यहां उसकी पावर की शक्ल में लिखना है, यानी 1/3 उसका क्यूब रूट यहां अप्लाई कर, 1/3, ठीक है। अब 125 जो है ना, इसको आप देखो 125 के एलसीएम के मेथड से 5 के टेबल में कितना आएगा, 25 है, 5 5 25 और फिर 5 1 है 5, कितने 5 हैं यहाँ पे, 3 5 हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं -5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये 1/3 ऑलरेडी यहाँ पे था, ये 5 उसको क्यूब रूट की शक्ल में, क्यूब की शक्ल में लिखा, अब 3 से कैंसिल हो गया, सो आंसर कितना आ गया, माइनस का 5, ये इसका आंसर है। सो क्वाइट सिंपल, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, आपने यानी उसको फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज कैसे किया, ये फैक्टर्स हैं इसके, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पावर 3 बनाया, 1/3 उससे कैंसिल हो जाएगी, सो आंसर इसका -5 आ जाएगा, ठीक है। 32 कोई बात नहीं, 32 है ना, तो पहले इसको 4 को पहले सॉल्व करो ना, 32 के फैक्टर्स बना लो, कितने कितने फैक्टर्स, कौन कौन से होंगे, 2 16 सर, और फिर 2 8 सर, और फिर 2 4 सर, और 2 2 सर 4, और 2 1 सर 2, कितने 2s हैं, 5। लेकिन हमें कितनी वैल्यू हमारे पास, देखो इसको हम लिखेंगे 2 × 2 की पावर 4, यानी इसमें क्योंकि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/4 है ना, तो यहाँ 1/4 अप्लाई करेंगे, यहाँ 4 की जगह 1/4 आ जाएगा स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है। अब रेडिकल का साइन जो है उसकी वैल्यू 1/4 है, अब इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 1/4 अलहदा कर दें, और 2 की पावर 4 × 1/4, यानी दोनों को सेपरेट कर देंगे, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, सो इसको हम वापस कन्वर्ट करेंगे रेडिकल फॉर्म में, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ 4 आ जाएगा, वापस ये 4 की शक्ल में इसके ऊपर, सिर्फ 4 2 के ऊपर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। 8/-27 क्यूब रूट की वैल्यू कितनी है, 3 है। अपने फैक्टर्स बना लेने हैं, 8 को अगर हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 2 × 2 × 2, ठीक है, फैक्टर्स में, तो कितना हो गया, 2 की पावर कितनी होगी, 3, 27 में कितना होगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3, और उसकी पावर कितनी है, क्यूब रूट की वैल्यू कितनी है, 1/3। यहाँ साइन कौन सा आ रहा है इसके साथ, माइनस का, ये साथ में माइनस रहेगा बिकॉज 3 times मल्टीप्लाई हुआ है, तो अच्छा अब अलहदा अलहदा कर दो, 2 की पावर 3 × 1/3 और नीचे आ जाएगा -3 की पावर 3 × 1/3, 1/3 कहाँ से, क्यूब रूट जो है, ये दोनों के ऊपर सेपरेट कर दिए, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सो आंसर आ जाएगा 2/-3 आंसर आ जाएगा इसका, माइनस दोनों के साथ लगेगा, तो यहाँ पे माइनस में अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे -2/3, सो ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सेकंड पार्ट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा पहले इसके बाद देखना क्या है, आपने इसके कांस्टेंट नंबर देखो, ये 2 लिखा हुआ और ये क्या लिखा हुआ है कांस्टेंट में, -8, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, -8 के साथ, ओके। नाउ एक्स, ये बीच में आप मल्टीप्लाई लगा सकते हो, डॉट भी लगा सकते हो, x की पावर यहाँ पर कितनी है, 5, और ये पावर x के कितनी है, -3, तो ये दोनों इकट्ठे होके कितना हो जाएगा, -3, x 5 -3, डॉट y की पावर यहाँ पर कितनी है, -4, और प्लस कितना आ जाएगा, 2, मल्टीप्लाई में पावर्स को प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि माइनस का साइन था इसलिए माइनस लगाया था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 2 कितना हो जाएगा, -16, और x की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 5 में से 3 निकल गए, बाकी कितना बच गया, 2, y की पावर
माइनस फोर प्लस का टू कितना आ जाएगा, माइनस का टू। अब माइनस टू को हम नीचे लेके जाएंगे जब, क्योंकि इसको हम रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी माइनस टू ऊपर प्लस है, माइनस का साइन है, नीचे किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो ये y की पावर 2 आ जाएगा। सो ये आंसर आ जाएगा इसका, सिंप्लीफाई हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का ये फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। x की पावर बेसिस देखो, ये x की पावर कितनी है, माइनस टू, और ये x की पावर कितनी है, 4 है। तो हम ये करते हैं कि इसको हम बेसिस को इकट्ठा करते हैं, यानी x की पावर माइनस का ये टू माइनस टू है, ये 4 जब ऊपर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के 4 में। नाउ y की पावर माइनस का 1 ऑलरेडी ऊपर है, ये माइनस 3 ऊपर जाके किस में चेंज हो जाएगी, प्लस 3 में, साइन रेसिप्रोकल में चेंज हो जाते हैं। z की पावर माइनस का 4 है, प्लस का कितना आ जाएगा, 0, यानी माइनस का 0, सॉरी माइनस का 0। तो आंसर पावर कितनी है इसकी, माइनस 3, ये होल पावर माइनस 3 है। पहले तो हमने इसको इकट्ठा कर दिया, हमने x को x के साथ, y को y के साथ, z को z से। अब x की पावर यहाँ पर कितनी बच जाएगी हमारे पास, माइनस का 2, और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, माइनस 3 से, ये वाली जो होल पावर है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। y की पावर 3 में से 1 निकल गए तो बाकी कितना बच गया, 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से, ये वाले माइनस 3 से। फिर z की पावर माइनस 4 में से 0 निकालेंगे तो माइनस 4 ही बचेगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3। अब जरा सॉल्व कीजिए इसको, x की पावर माइनस 6 3 जर कितना हो जाएगा, 18, और साइन माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। y की पावर 3 2 जर कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और z की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 आ जाएगा। अब इसमें एक साइन माइनस के, बाकी दोनों प्लस के हैं, तो इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए x की पावर 18, z की पावर 12, और y को हम नीचे लेके जाएंगे, y की पावर कितनी हो जाएगी, 6। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। इट्स क्वाइट इजी वे से इसको सॉल्व करने का, किस तरह से आप पहले पावर्स को इकट्ठा करें, x और x में, y y में, z z में, फिर उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करके, तो आंसर जो पॉजिटिव में लेके आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड थर्ड पार्ट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अच्छा, ये यहाँ थोड़ा सा फर्क है इसमें बेस, इसका मतलब है कि 5 की पावर 2 जो है उसको 3 दफा मल्टीप्लाई किया गया, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, 2 को मल्टीप्लाई 3 से, यानी ये दोनों पावर्स 5 की हैं, बट यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई सिंपल 2 और 3 से। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 8, यहाँ 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 6। अब जब इसको सॉल्व करोगे, 8 में से 6 माइनस, क्योंकि डिवाइड में बेसिस सेम हो तो पावर्स माइनस होती हैं, तो 5 की पावर 8 में से 6, बाकी कितना बचेगा, 2, और जब आप इसको 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 25, ये इसका आंसर आ, ठीक है, समझ आइए। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यहाँ 2 को इसलिए किया है बिकॉज ये दोनों पावर्स 5 की हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, इसलिए हम इसको 3 दफा मल्टीप्लाई किया, इसमें हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है। ओके, सेकंड, इसका फोर्थ पार्ट इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, यहाँ x की पावर 3 का मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई 2 होगा, यानी ये दोनों x की पावर्स हैं, डिवाइडेड बाय x की पावर 3, 3 को 3 से 2 दफा, यानी 3 का पावर 2 है, तो मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब x की पावर कितना आ जाएगा, 6, और x की पावर कितना आ जाएगा, 9। यहाँ हम जब माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 6 माइनस 9, 6 में से 9 को माइनस कर देंगे। नाउ x की पावर कितना आ जाएगा, माइनस 3, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर x की पावर 3, ये नीचे जाके रेसिप्रोकल कन्वर्ट करेंगे बिकॉज पावर माइनस 3 है, तो नीचे चली जाएगी और प्लस 3 में चेंज हो जाएगी।